एक बार की बात है। एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है, सभी गांव वालों की फसल बर्बाद हो जाती है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। अरे भाई भीमा, अब की बार तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, सारी फसल ही बर्बाद हो गई। मैं तो बहुत कर्जे में आ गया हूं। हां भाई नथू, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। जरूर हमारे गांव में किसी ने बहुत पाप किए होंगे, तभी भगवान उसी का बदला ले रहा है। मैंने सुना है साथ वाले गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, चलो हम सब वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्या पता बारिश हो जाए। यही सोचकर वे सारे लोग मिलकर पास वाले गांव में भगवान के दर्शन और प्रार्थना करने जाते हैं। फिर अगले दिन जब वह वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें लौटने में देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। उनकी गाड़ी घने डरावने जंगल से गुजरती है, सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अरे भाई नथू, ये तो बहुत घना जंगल है, कहीं कोई भूत प्रेत ना मिल जाए रस्ते में। अरे यार भीमा, कोई भूत प्रेत नहीं होते, तू सबको डरा मत और चुपचाप बैठ जा। तभी उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे भाई, मुझे तो बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं, मुझे लगता है आज जरूर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे भाई भीमा, तुम डरो मत, हम अभी तो भगवान के दर्शन करके आए हैं, कोई भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी कुछ दूर जाने पर उनकी गाड़ी का पहिया एक पत्थर से टकराता है। अरे मर गए रे, लगता है भूतों ने हमला कर दिया, सब अपनी जान बचा के भागो। अरे यार भीमा, तेरा तो सिर्फ नाम ही भीमा है, असल में तो तू बहुत डरपोक है, देख ये तो सिर्फ एक पत्थर था, हमारी गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया था। फिर थोड़ी दूर जाने पर पहाड़ी से एक पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी गाड़ी पर गिरता है। अरे मर गए रे, लगता है भूतों ने पहाड़ी से हमला किया है, ये भूत हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ी से पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं, तुम चुपचाप बैठो, ज्यादा शोर मत मचाओ, तुम्हारे शोर मचाने से भूत तो नहीं आएंगे, किंतु कोई जंगली जानवर आ गया तो वह जरूर हमें कच्चा ही खा जाएगा। नथू भाई, लगता है तुम ठीक कह रहे हो। फिर थोड़ी दूर जाने पर एक जंगली सियार सामने आ जाता है, वे सब लोग बहुत डर जाते हैं। भीमा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जोर जोर से मत चिल्लाओ, कोई जंगली जानवर हमारी आवाज सुन लेगा। फिर वे सब लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि सियार डर के मारे वहां से भाग जाए। हुर हुर हुर, ए सियार, चल भाग यहां से, चल जल्दी से भाग जा, नहीं तो हम सब मिलकर तुझे मार देंगे। सियार उनके चिल्लाने के डर से वहां से भाग जाता है। शुक्र है भगवान का, एक और मुसीबत टली। फिर थोड़ी दूर जाने पर तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। देखा भीमा, मैंने कहा था ना, अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही बारिश कर देंगे। तभी एक बिजली कड़कती हुई उनकी गाड़ी के पास में आकर गिरती है, वे सब डर जाते हैं। भुवन भाई, बाल बाल बच गए, अगर ये बिजली हमारी गाड़ी पर गिर जाती तो सबका काम तमाम हो जाता। थोड़ी सी आगे बढ़ने पर फिर से कड़कती हुई बिजली उनकी गाड़ी के बिल्कुल नजदीक गिरती है। अरे मर गए रे, बाल बाल बच गए। भुवन भाई, लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए, जो इतनी ज्यादा बारिश कर रहे हैं और साथ में कड़कती बिजली मुफ्त में बरसा रहे हैं। भीमा भाई, मुझे लगता है आज हमारे में से किसी की जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी हर थोड़ी दूर जाने पर हमारे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। तभी एक और बिजली उनकी गाड़ी के पास आकर गिरती है। हे भगवान, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे छोड़ दो, चाहे तो इन सबको अपने पास बुला लो। मुझे लगता है आज हम में से किसी की मौत पक्की है, अगर हमने उस व्यक्ति को इस गाड़ी से नहीं उतारा तो सबकी मौत पक्की है। भाई तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक काम करते हैं, सभी बारी बारी से उस गाड़ी से उतरेंगे और सामने जो पेड़ लगा है उसे हाथ लगाकर वापस आएंगे।
अगर उसकी मौत पक्की होगी तो बिजली अवश्य ही उसके ऊपर गिरेगी और बाकी सब बच जाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। फिर वह आपस में तय करते हैं कि कौन पहले जाएगा और कौन बाद में। सबसे पहले भुवन जाता है। हे भगवान, मैंने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर बिजली मत गिराना। अगर मैं बच गया तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भुवन डरता हुआ जाता है और पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ जाता है। बच गया रे, मैं तो बच गया। श्यामू भाई जाओ, अब तुम्हारी बारी। भुवन भाई, तुमने भगवान को क्या बोला जो उन्होंने तुम पर बिजली नहीं गिराई? भाई, मैंने तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वादा किया है। अच्छा, हे भगवान, मैं 200 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कृपा करके मेरी जान भी बख्श दो। इतना बोलकर श्यामू भी पेड़ को हाथ लगाकर वापस गाड़ी में आ जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी जान बख्श दी। जाओ भाई, भीमा अब तुम्हारी बारी। भीमा डर जाता है और सोचता है, क्यों ना पहले नथू को भेज दूं, क्या पता इसके ऊपर ही बिजली गिर जाए। नहीं भाई भीमा, जो हमने आपस में तय किया था हम उसी हिसाब से चलेंगे। अगला नंबर तुम्हारा है, तुम ही जाओगे। भीमा डरते हुए, हे भगवान, मेरी जान बख्श दो, मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस किसी तरह मेरी जान बख्श दो। भीमा भी उस पेड़ को हाथ लगाता है और कुछ नहीं होता और वह खुशी खुशी वापस आ जाता है। अरे भाई, मैं भी बच गया। अब सिर्फ नथू ही बचा था। सबको लग रहा था यही है जिसकी वजह से आज हम सब फंस गए हैं। नथू यह सोचकर उदास हो जाता है कि उसकी वजह से सबकी जान आज जोखिम में पड़ गई। वह पेड़ को हाथ लगाने के लिए चल देता है। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया है, हमेशा मेहनत से रोजी रोटी कमाई है, कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, कभी कोई छल कपट नहीं किया। अगर फिर भी मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। बस इतनी सी विनती है कि मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पर बिजली गिरा दो, मैं अपनी मृत्यु स्वीकार करता हूँ। यह बोलकर वह पेड़ के पास पहुंच जाता है। गाड़ी में बैठे बाकी लोग बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि वे सब बच गए। जैसे ही नथु पेड़ को छूता है, जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है, लेकिन वह बिजली नथु पे नहीं, उस गाड़ी पर गिरती है जिसके ऊपर बाकी के सभी लोग बैठे होते हैं। और नथु ही इकलौता ऐसा इंसान था जिसके कर्म की वजह से बाकी के सभी लोग सुरक्षित बचे हुए थे। नथु की वजह से ही गाड़ी के आसपास तो बिजली गिर रही थी, किंतु गाड़ी के ऊपर बिजली नहीं गिर पा रही थी क्योंकि उस गाड़ी पे नथू था, लेकिन इन्होंने उसी को गाड़ी से उतार दिया। नथू यह सब देखकर बहुत उदास हो जाता है। हे भगवान, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो कृपा करके मेरे बाकी के दोस्तों को भी जीवनदान दे दीजिए भगवान। भगवान नथू की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके बाकी के सभी दोस्तों को जीवन दान दे देते हैं और कुछ ही पलों में वह सारे फिर से जिंदा हो जाते हैं। फिर वे सब लोग नथू से अपने किए की माफी मांगते हैं और अपने गांव की ओर चल देते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके खेत फिर से हरे भरे हो चुके हैं। फिर वे सारे दोस्त आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और वे सभी दोस्त नथू को अपनी अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से उनकी जान बची थी, और नथू उस जमीन को गरीबों में बांट देता है। अक्सर चुनौतियों से, संघर्षों से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो है जो हमें और अधिक मजबूत करते हैं और जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं कुछ भी कर पाने के और कुछ भी कर गुजरने के। इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई चुनौती आई तो उसे घबराइए मत, बल्कि हंसकर उसका सामना कीजिए। ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आपके दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ह्यूमैनिटी शुड बी आर रेस, लव शुड बी आर रिलीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।